क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र शास्त्री है जी। हाँ, मैं नजफगढ़ जोन का यूनियन प्रेसिडेंट हूँ। एमसीडी में लोरी प्रथा चली हुई है, लोग घर पे बैठे होते हैं और उनको तनख्वाह दी जाती है, जिसका सबूत ये मेरे सामने है और जो डॉक्टर दीपक मित्तल जी की अध्यक्षता में हो रहा है, उन्हीं के संरक्षण से ये सब चल रहा है। ये मेरे पास सभी के प्रूफ हैं, लोग घर पे बैठे हैं, हाजिरी रजिस्टर में अब्सेंट है और जो जिसे तनख्वाह मिलती है उसमें प्रेजेंट है। मतलब ये एक पूरा बहुत बड़ा घोटाला है जो डॉक्टर मित्तल के द्वारा चलाया जा रहा है, उन्हीं के संरक्षण से हो रहा है ये सब कुछ। ये प्रूफ मैं आपको दिखा सकता हूँ जी। तो एमसीडी ने भी माना है शास्त्री जी, और फिर कोई कार्रवाई नहीं? हाँ जी, एमसीडी ने बिल्कुल माना है। एक आरटीआई के थ्रू हमने पूछा था, इन घोटालों को खोलने के लिए जो हर आरटीआई लगाई थी, विभाग ने भी स्पष्ट तौर पे माना है कि ये हमसे त्रुटियाँ हुई हैं और एक एक रेस्ट के बदले हमने तीन तीन रेस्ट भी दिए हैं और गलत हाजिरियाँ भी पाई गई हैं, उनको बाकायदा सबूत के साथ माना है। डॉक्टर दीपक मित्तल को ही हमने आरटीआई लगाई थी, उन्हीं से जवाब आया है। क्या जो लोग काम करते नहीं, जो आते नहीं, उनको भी सैलरियां बट रही हैं? हाँ बिल्कुल बट रही हैं सर, और उनको बहुत सारी बट रही है, इसी वजह से काम नहीं हो रहा। बीमारी जो फैल रही है उसका कारण यही है कि घर लोरी बैठे हैं, एक एक वार्ड पर 20-20 कर्मचारी हैं, 10-10 लोरी बैठे हैं, तो काम कहाँ से होगा? बीमारी तो फैलेगी, और दवाइयों का दुरुपयोग हो रहा है, भिन्न भिन्न तरीके से जो है ना एमसीडी को लूटा जा रहा है, सरकारी मशीनरी का मतलब गलत इस्तेमाल हो रहा है। रोल बोलो। हाँ, जैसे एमसीडी के घोटालों का खुलासा हो रहा है, उसका सबसे बड़ा सबूत आपके सामने है ये, जिसमें करोड़ों का घोटाला है। ये आप देखेंगे कि सुरेश कुमार नाम का जो कर्मचारी है, ये दैनिक रजिस्टर में एब्सेंट है, जबकि इसके मासिक रजिस्टर में ये प्रेजेंट है। ये आपको स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि ये घोटाला है। अन्य डीबीसी जैसे शिवदर्शन है, 30/6/2018 को एब्सेंट है और वहाँ उसको मासिक रजिस्टर में प्रेजेंट दिखा रखा है। रामनिवास नाम का डीबीसी 5/7/2018 को एब्सेंट है और मासिक रजिस्टर में प्रेजेंट दिखा रखा है। सुरेश कुमार डीबीसी 13/6/2018 को एब्सेंट है और मासिक रजिस्टर में प्रेजेंट दिखा रखा है। रोहित कुमार CFW 14/9/2018 को दैनिक में एब्सेंट है और मासिक में प्रेजेंट है। मंजीत CFW 28/9/2018 को एब्सेंट है और मासिक में प्रेजेंट है। राम निवास DBC 14/8/2018 को एब्सेंट है। और भी आप बहुत सारे वो देख सकते हैं, रेस्ट के बदले। ये आप देखेंगे राम निवास नाम का DBC 29/3/2018 को इसने एक दिन का रेस्ट किया, उसके बदले में तीन तीन रेस्ट इनको दे दिए, 26/4/2018 को, 15/5/2018 को और 30/5/2018 को, वो भी 31 मार्च बीतने के बाद, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद। ये सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। ये एक मार्च का रेस्ट है, इसमें इस एक रेस्ट के बदले तीन तीन रेस्ट दे दिए हैं, 25/6/2018 बोलो। एमसीडी की गड़बड़ी का ये आलम है कि आप देख सकते हैं कि ये दैनिक रजिस्टर में ये लोग प्रेजेंट हैं और मासिक रजिस्टर में इनको किसी को एब्सेंट दे दिया है, किसी को सीएल दिखा दिया गया है, यानी कि रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं है। किसी भी तरह फायदा पहुंचाया जाए, कुछ भी किया जाए, गलत जो भी किया जाए, मतलब कोई हिसाब किताब ही नहीं है। मतलब घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, और उनका बार बार जो है ना हम शिकायत करते हैं तो कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल, ये मुकेश कुमार है, ये कैलाश है, ये सतीश है, यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन इनको यहाँ पर या तो सीएल दे दी गई है या एब्सेंट कर दिया गया है, यानी कि टोटल फायदा पहुँचाने के लिए ये सारी कार्रवाई की गई। ये आपके सामने प्रूफ है जो एमसीडी की चोरबाजारी को दिखाता है, जो डॉक्टर दीपक मित्तल को रूप बिल्कुल वो करता है कि वो इसमें संलिप्त है, डॉक्टर अनिकेत सरोही संलिप्त हैं, वार्डों के इंचार्ज सब संलिप्त हैं, इन्होंने खुली छूट दे रखी है, कैसे भी करो, घोटाला करो, जो भी करो, भ्रष्टाचार। उन्हें माना भी है कि ये जो है ना हमसे गलतियां हुई हैं, जब आरटीआई लगाई तो इन्होंने गलतियां मान ली, उससे पहले तो पता नहीं क्या क्या हो रहा था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। और पता नहीं कितने लेटर लगाए हमने डीसी साहब को, डीएचओ साहब को, एमएचओ साहब को भी, लेकिन उल्टा जो इनके विरुद्ध बोलता है उसी को ये लपेट देते हैं, झूठा फंसाने की कोशिश करते हैं, जोन ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कि मनमानी चल रही है पूरी तरह से, जंगल राज है एक तरह से एमसीडी में। और ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, हमने प्रूफ के साथ आपको दिखाया है। रोल ये देखिए आप, एक नया खुलासा डॉक्टर दीपक मित्तल के द्वारा छोड़े गए MIO की करतूत, ये 48S का मामला है द्वारका का, 38S
हाँ 38 एस द्वारका का मामला है, यहाँ पर रोहतास एमआई है जो लोरी छोड़ते हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये आप इसकी फुटेज ले सकते हैं, 8/6/2019 को एबसेंट था, दो दिन तक ये खाना खाली छोड़ा गया रोहतास जी के द्वारा, और दो दिन के बाद लुक आफ्टर के लिए एसडी शर्मा आते हैं और वो हाजिरी के क्रॉस लगा देते हैं। उस क्रॉस लगाने के बावजूद ये कर्मचारी दोबारा उसमें अपनी हाजिरी भर देता है। जब अन्य कर्मचारी इसका विरोध करते हैं तो रोहतास एमआई उसमें क्रॉस कर देते हैं उसकी हाजिरी को और सीएल भेज देते हैं। ये कर्मचारियों ने उसकी शिकायत की, डॉक्टर साहब डीएचओ साहब को भी दी, कमिश्नर साहब को भी दी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये आप देख सकते हैं प्रूफ के साथ। ये क्या है, किस तरह का बताइए? ये सबसे पहले खाली खाना था, दो दिन खाली पड़ा रहा, रोहतास जो एमआई है वो इनसे घूस लेता होगा तभी तो खाली छोड़ा ना, उसके बाद क्रॉस लगा दिया, जो लुक आफ्टर के लिए आए हुए थे उन्होंने क्रॉस लगा दिया, क्रॉस लगाने के बाद उस कर्मचारी ने अपनी हाजिरी लगा दी। जब अन्य कर्मचारियों ने इसका विरोध किया तो रोहतास जी ने उसका क्रॉस लगा दिया और उसकी सीएल भेज दी। आप ये प्रूफ के साथ देख सकते हैं, ये सब डॉक्टर दीपक मित्तल जी के संरक्षण से ही हो रहा है, उन्होंने खुली छूट दे रखी है, नहीं तो एमआई की क्या वो, अगर ऊपर से उनके आदेश ना हो तो। ये आप प्रूफ देख सकते हैं। हाँ थोड़ा सा आप कह सकते हैं, मैं एक यूनियन प्रेसिडेंट होने के नाते मेरे पास बार बार अनेक वार्डों से भी शिकायत आती रहती है। उसी श्रेणी में 43 एस से भी मेरे पास एक कंप्लेंट आई, राजकुमार ने बताया, और मैं सभी की समस्या सुनता हूँ और उन पर कार्रवाई भी करता हूँ। और सारा कुछ होने के बाद हमने एक कंप्लेंट दी, डीएचओ साहब को दी, डीसी साहब को दी, जब कहीं भी नहीं सुनी तो हमने सत्र तक विभाग को भी दी, जिसमें हमने ये सारा खुलासा किया। और खुलासा करने के बाद लोरी सिस्टम को उजागर हुआ और ये देखो किस तरह से जो है ना, यहाँ एब्सेंट हाजिरी रजिस्टर एब्सेंट है और मासिक उसमें प्रेजेंट दिखाई गई। ये आप नाम भी देख सकते हैं, ये तो 45 कर्मचारियों के वो हैं, पता नहीं कितने कर्मचारियों के होते होंगे, ये तो बहुत बड़ा घपला है। आप देख सकते हैं इसको, बिल्कुल बाकायदा ये हमने एक श्रेणीगत तरीके से बना रखा है। एक रेस्ट के बदले तीन तीन रेस्ट दिए जा रहे हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है, उसके बाद सारे पुराने कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाते हैं, आगे के लिए नया सिस्टम बनता है, लेकिन पिछले कॉन्ट्रैक्ट के रेस्टों को भी अगले उसमें दे दिया गया है। ये आप चेक कर सकते हैं, बाकायदा बिल्कुल रिकॉर्ड के साथ है, नाम बाय नाम। और ये तो एक वार्ड की कहानी है, ये सभी वार्डों पर हो रहा है, और ये डॉक्टर दीपक मित्तल की मेहरबानी से हो रहा है। अनिकेत सिरोही एएचओ साहब उनको संरक्षण देते हैं, एक नीरज मैडम है वो भी इनकी सहयोगी है, इन मतलब ये एक टीम बनी हुई है जिन्होंने भ्रष्टाचार को बिल्कुल अपनी गिरफ्त में ले रखा है। और एक साल से हम करीबन एक साल से ज़्यादा हो गया, एक साल क्या, मैं तो ये कई सालों से जूझ रहा हूँ। जब जब दीपक मित्तल का टर्न आता है तब तक ये भ्रष्टाचार होता है। एमसीडी ने माना है? हाँ एमसीडी ने माना है बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। एमसीडी हमने एक आरटीआई लगाई थी, उसमें कहा है कि त्रुटियां पाई गई हैं। हमने इसको उजागर किया तो एक प्रूफ के रूप में इन्होंने बता दिया, अदरवाइज इनको सब पता होता है। कार्रवाई ही तब हुई है जब हमने आरटीआई लगाई, ये आप चेक कर सकते हैं, ये प्रूफ के साथ है बिल्कुल। और जब इनका कोई विरोध करता है तो उसकी प्रताड़ना करते हैं, भिन्न भिन्न तरीके से करते हैं, वार्ड बदल दिए जाते हैं। ये अनेक को कंप्लेंट दी है हमने, लेकिन इन ये कंप्लेंटों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। वो सट्टा और वो सिस्टम, हाँ ये आप देख सकते हैं बिल्कुल। ये एएमआई जयप्रकाश जी हैं 43 एस वार्ड के, वार्ड कार्यालय में ही ड्यूटी के समय में ही रोज ताश जुआ खेला जाता है। ये तो एक दिन की वीडियो है, ये तो वार्ड हर वार्डों पर ऐसा ही होता है, क्योंकि जब उच्च अधिकारियों ने उनको परमिशन दे रखी हो तो ये तो होगा ही होगा। आप ये देख सकते हैं बिल्कुल उसके साथ। चेयरमैन साहब, हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ा एक मामला आया है कि कैसे लोहरी प्रथा चलती है, जो लोग काम करने नहीं आते उनको भी सैलरियां बढ़ती है और पूरा का पूरा जो सरकारी विभाग है उसको चूना लगाया जाता है, लाखों का या करोड़ों का। क्या है मामला, आपको भी शिकायत मिली है? ये कंप्लेंट मेरे पास आई है और मैंने उसकी इंक्वायरी के लिए उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया है,
और इसमें जो भी अगर कोई इस टाइप का आदमी उसमें संलिप्त पाया गया उसके खिलाफ बहुत जबरदस्त एक्शन होगा। हम किसी को इस तरीके से बर्दाश्त नहीं।